इस पेज नंबर 58 है, इमीडिएटली आफ्टर द रिक्वायरमेंट, एक नोट के बाद हम लिमिटिंग फैक्टर विद मेक एंड बाय ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। एक नई चीज बीच में ऐड होनी है, लेकिन उससे पहले एक सिनेरियो वन में जो अभी बात हुई है उसको रिवाइज कर रहे हैं। सिनेरियो वन, एबीसी तीन प्रोडक्ट्स हैं, तीनों की कंट्रीब्यूशन पर नजर दौड़ा 200, 150। अगर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है तो नेक्स्ट लाइन, इफ नो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस देन प्रोड्यूस ऑल प्रोडक्ट्स। अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तीनों कंट्रीब्यूशन, तीनों प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, तीनों को असूलन बनाए, ठीक है सर। लेकिन लेट्स अज्यूम चेंज द सिचुएशन, नेक्स्ट लाइन, लेट्स अज्यूम इफ लेबर आवर्स आर लिमिटिंग रिसोर्स देन व्हाट वी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल कैसे पढ़ते जाए आगे, जो अभी आपने डेटा सॉल्व किया है, जो आपने अभी डेटा सॉल्व किया है उसमें कौन सा लिमिटिंग फैक्टर था, अब कौन सा लिमिटिंग फैक्टर आ गया, तो कॉन्सेप्ट रिमेन्स है। अगर लेबर आवर्स होंगे तो अब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वर्किंग के बाद लिमिटिंग फैक्टर अगर लेबर आवर्स है तो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो लेट्स अज्यूम प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 आवर्स पर यूनिट, बी रिक्वायर्स 4 आवर्स पर यूनिट एंड सी रिक्वायर्स 1 आवर पर यूनिट। असल में इस सारी स्टोरी का कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कर लें, ये जो 200, 100 और 50 है ये क्या है, ये तो एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन साथ रहा घंटे देखा रहा, क्या 200 रुपए तभी आप जनरेट कर सकेंगे अगर 10 घंटे इस प्रोडक्ट को देंगे, और 100 रुपए जनरेट हो जाएंगे 4 घंटे देने से, और 50 रुपए जनरेट हो जाएंगे बस 1 घंटा देने से। तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन का अगर हम एज इट इज देखें तो वो सही कंपैरिजन नहीं हो सकेगा, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर की यूटिलाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट हो सकती है। तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप फिर क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर आवर पर लिमिटिंग आवर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, समझ आ जाएगा कैसे वर्किंग हुई आगे, 20 25 50, 200 डिवाइड बाय 10, 100 डिवाइड बाय 4 एंड 50 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 50। 20 rupees, 25 rupees and 50 rupees can be generated by giving one labor hour to each product respectively. अब इसकी बेस पे फिर क्या करेंगे, पहले कौन सी प्रोडक्ट बनानी चाहिए, सी, देन कौन सी बनानी चाहिए, बी, और देन कौन सी बनानी चाहिए। तो ये तो वही बात हुई है जो कल तक या अभी क्लास के में जो क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा था, अगर कभी भी कोई लिमिटिंग फैक्टर हो जाए तो आप डिसीजन किसकी बेस पे नहीं, किसकी बेस पे लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पे नहीं, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे लेंगे। और लिमिटिंग फैक्टर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द मशीन आवर्स, इट कैन बी लेबर आवर्स एंड सो ऑन, अभी आगे भी आवर्स। अब आने जरा इस डिस्कशन को दोबारा रिवाइज करके एक सिनेरियो 2 में, इफ देयर इज एन ऑप्शन टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एंड देयर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, अपना रजिस्टर कॉल के साथ रखिएगा। अभी इस क्वेश्चन नंबर 1 में फाइनली जब ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना तो क्या डिसीजन होगा, ऑक्टागॉन के तो सारे यूनिट्स बनाने चाहिए ऐसे, सिमिलरली हेक्सागॉन के भी सारे यूनिट्स बन जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी बना लेने चाहिए, लेकिन पेंटागन के हम कितने बना सकते थे 10,000 कितने बना सकेंगे, तो इट मीन्स डिफरेंस जो है 4 to 50 यूनिट्स, ये हम नहीं बना के बेच सकेंगे। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई थर्ड पार्टी परचेज ऑप्शन नहीं है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है और लिमिटिंग फैक्टर है, फिर तो हो सकता है कुछ यूनिट्स आप बना के नहीं अगर बेच पा रहे तो उनकी कंट्रीब्यूशन का फिर लॉस होता है। लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि लिमिटिंग फैक्टर मौजूद है जिसकी वजह से आप सब कुछ नहीं बना पा रहे, लेकिन जो प्रोडक्ट्स आप नहीं बना पा रहे सपोज वो मार्केट में जाके किसी सप्लायर से खरीदी जा सकती हैं। देखिए बिजनेस दो तरह के होते हैं आपके लेवल पे, एक ट्रेडिंग बिजनेस होगा एक मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हम कर रहे हैं लेकिन लिमिटिंग फैक्टर आ गया तो उसकी वजह से हो सकता है हम सारी मैन्युफैक्चरिंग जो कर सकते हैं वो ना कर सकें। तो इस केस में समटाइम्स ये हो सकता है कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि जो यूनिट्स हम नहीं बना सकते उन्हें किसी से खरीद के बेच लें, इट मीन्स बना के भी बेच लें, और जब बना नहीं पा रहे उन्हें खरीद के मीन्स ट्रेडिंग शुरू कर दें। एक जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हुआ है उसमें क्या हुआ, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या खरीद के भी बेचा जा सकता है, देयरफॉर
पेंटागन के 4 to 5 0 यूनिट्स हम नहीं बेच पाएंगे क्योंकि वो बन ही नहीं सकते। लेकिन अगर कोई सप्लायर हमें ऑफर कर रहा हो कि जिस तरह के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उस तरह की वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है, तो हम जिन प्रोडक्ट्स को नहीं बना सकेंगे उनको सप्लायर से खरीद के बेच देंगे। इट मीन्स दो चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, एक है बना के बेच दें, इसे क्या कहेंगे मैन्युफैक्चर एंड सेल, और दूसरा ये है कि जिनको हम नहीं बना पाएंगे उनको खरीद के बेच सकते हैं। किससे खरीद के किसको बेच देंगे? एक ये है कि हम खुद बना के अपने कस्टमर को बेचें, और दूसरा फिर साथ क्या है कि जो नहीं बना पा रहे उसे सप्लायर से खरीद के कस्टमर को बेच, दोनों में कॉमन क्या है? बेच दें। जितने बना सकते हैं वो बना लें और जितने नहीं बना पा रहे उन्हें खरीद के बेच लें। तो अगर हमारे क्वेश्चन में कोई आउटसोर्सिंग वर्ड सुना कभी, बाहर से खरीदना, मार्केट से जाकर परचेज कर लेना, तो हमारे अगर क्वेश्चन में ये भी बताया हो कि आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल है, तो देन फिर हमें ये अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि किन प्रोडक्ट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते रहते बना के बेचें और किन प्रोडक्ट्स को बनाने की बजाय खरीद के कस्टमर्स को बेचें। तो आप बताएं जी, बना के बेचें या खरीद के बेचें? अब इसमें फिर एक और वर्किंग हमें करनी पड़ेगी कि बनाने का खर्चा कितना आ रहा है और खरीदने पे खर्चा कितना आ रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर ये देखेंगे कि जहां कम खर्चा आ रहा है उस तरफ, उस ऑप्शन की तरफ हम चले जाएंगे। तो एक सिनेरियो की एग्जांपल की थोड़ा बेस बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल ये चीज है, लेकिन आपने बहुत कंसंट्रेशन से देखना है और बिजनेस अपना ही समझिएगा। इस वक्त मैं कहां पढ़ रहा हूं? सिनेरियो 2 में पढ़ रहा हूं। उसका एक सेंटेंस पहले दोबारा देख लें जरा एग्जांपल के ऊपर। इफ देयर इज एन ऑप्शन टू परचेज फ्रॉम आउट सप्लायर and there is a limiting factor, then compare what with what, what variable cost per unit with the cost per unit of the supplier. In other words, niche up table mein aa rahe hain. For example, 3 products are ready sir. Yes, sir. Variable manufacturing cost per unit ka meaning bataye isme kya kya shamil hai. Once again, isme fixed cost kyun shamil nahi hai? हम बना के बेचें, खरीद के बेचें, इस डिसीजन से कौन सी फिगर चेंज नहीं होगी? फैक्ट्री का रेंट, हम कम बनाएं, ज्यादा बनाएं, ना बनाएं, जब तक बिजनेस बंद नहीं करेंगे फैक्ट्री का रेंट खत्म नहीं होगा, परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज खत्म नहीं होगी। हमें देखना यह चाहिए कि बनाने की वजह से कौन सा एक्स्ट्रा खर्चा होगा और खरीदने पर हमारा कितना खर्चा होगा। तो देयरफॉर किसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? बनाने का वेरिएबल खर्चा किससे कंपेयर हो रहा है? आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट के साथ लिख रहे सिंपली परचेज कॉस्ट पर यूनिट। ये किससे खरीदना है? तो अगर कोई सप्लायर ऐसा है जो आप जैसी क्वालिटी की चीजें मार्केट में बना के बेच रहा है, तो जो नहीं बना सकेंगे वो उससे खरीद के फिर इंशाल्लाह अपने कस्टमर्स को बेच देंगे। तो कुछ फिगर्स जरा सामने रख लें। सबसे पहली लाइन में आ गए वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कितनी कितनी फिगर्स दी हुई, इसके नीचे आ गए परचेज कॉस्ट पर यूनिट 750, 2000 एंड 3500। ये तो दो लाइंस हैं, काइंडली जरा एक सेकंड मुझे बोर्ड पे लिखवाइएगा। प्रोडक्ट्स कौन कौन सी? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 550, 1900 एंड 3050। इसको कंपेयर कैसे किया गया जा रहा है? आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 750, 2000 एंड 3050। चलिए बाकी सब कुछ हम बोर्ड पे देख लें। क्या ए बी सी तीनों को खुद ही नहीं बनाना चाहिए? वजह वजह खरीदना महंगा पड़ रहा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर इससे हो जाए बिकस
अगर ये फिगर हिस्सा हो जाए सपोज, तो फैक्ट्री फौरन बंद कर देनी चाहिए। ये जिसे मैंने आउटसोर्सिंग कॉस्ट लिखा है, ये परचेज कॉस्ट है जिसपे हमने खरीदना है, लेकिन जिससे हम खरीद रहे हैं उस सप्लायर की ये सेलिंग प्राइस है। ये जरा काइंडली 300 सोचेंगे क्या, ये हमारी परचेज कॉस्ट है, हम तो खरीद रहे हैं, कोई बेच भी रहा होगा, तो सप्लायर कितने का बेच रहा है? और ये एक अंडरस्टूड बात है कि ये जिस तरह की हमारी प्रोडक्ट है उसी तरह की सप्लायर की प्रोडक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, और अगर इनकी क्वालिटी डिफरेंट है तो ऑब्वियसली ये कोई कंपैरिजन नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे जैसी चीजें लोग, हमें बनाने का खर्चा 550 आता है, और हमारी जैसी प्रोडक्ट ए जो है लोग जो है वो 300 की बना के बेच रहे हैं, विच मीन्स इस 300 में क्या सप्लायर्स का प्रॉफिट भी शामिल होगा? तो हमें फॉरन फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए और ट्रेडिंग शुरू कर देनी चाहिए। क्यों फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए? लोग बना के सस्ता बेची जा रहे, हमारी बनाने की कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिचुएशन नहीं हमारे डाटा में, हमारे डाटा में सिचुएशन क्या है? असूलन बनाना चाहिए, क्या खरीदना महंगा पड़ रहा? तो असूलन बनाना चाहिए, हरगिज खरीदने की तरफ नहीं जाना चाहिए। बात समझ आ रही मेरी? लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो मजबूरन फिर जाना पड़ेगा खरीदने की तरफ, क्योंकि शायद सब कुछ हम खुद नहीं बना पाएंगे। अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो बताएं किसको खरीदें? किसी को ना खरीदें। बी को मे भी 100 रुपए बचाएं, बना के 100 रुपए बचाएं। तो असूलन मेरे इस डेटा के बेस पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर हमें मजबूरन परचेज की तरफ जाना पड़ेगा, और फिर हमें उसे परचेज करना चाहिए, फिर हमें उसे परचेज करना चाहिए जिसको परचेज करना सबसे सस्ता पड़ेगा, हमें उसे परचेज करना चाहिए जिसको परचेज करना सबसे महंगा पड़ेगा, हमें उसे परचेज करना चाहिए जिसे परचेज करना सबसे असूलन, किसी को परचेज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर की वजह से हम कोई चीज नहीं बना पाएंगे तो देन फिर हम उसे खरीदेंगे जिसे खरीदना सबसे सस्ता पड़ेगा मार्केट में। उसका तरीका फिर क्या होता है? ये आगे जितनी भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ ये अज्यूम करके कर रहा हूँ कि कोई लिमिटिंग फैक्टर इन्वॉल्व है। अगर लिमिटिंग फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है तो ये फिगर्स हमें क्या बता रही हैं? कि कोई फर्दर वर्किंग की जरूरत नहीं है, असूलन सारी प्रोडक्ट्स को डिमांड तक खुद ही बनाएं और अकॉर्डिंग उसे मार्केट में बेचें। दाने सर, लेकिन एक मिनट मुझे इनका जरा डिफरेंस कैलकुलेट करवाएं, ये कितना कितना बन जाएगा? सिंपल फिगर्स हैं यार, क्या अकाउंटेंट होगा? 200 है, 100 है एंड 450। इसके वर्ड सुना जरा गौर से, इट इज सेविंग बाय प्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ सेविंग बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन करने से प्रोडक्ट ए के 200 रुपए बच जाएंगे। अगर प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करेंगे तो 200 रुपए बच जाएंगे, अगर बी को प्रोड्यूस करेंगे 100 रुपए बच जाएगा, और अगर सी को प्रोड्यूस करेंगे तो 450 रुपए पर यूनिट ऐसे बच जाएंगे। मेरे वर्ड समझ आए? व्हाट इज द मीनिंग सेविंग बाय प्रोडक्शन? प्रोडक्शन की वजह से 200, 100 और 450 पर यूनिट बच जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, कंसिडरेशन सुनिएगा, इन अदर वर्ड्स ना बनाने की वजह से खरीदने की तरफ अगर हम गए तो 200, 100 और 450 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बनाया तो कितना बच जाएगा? 200, 100, 450। ना बनाया और खरीदा तो कितना एक्स्ट्रा लग जाएगा? 200, 100 और 450। दोनों तरह वर्ड समझ आते हैं? सेविंग बाय प्रोडक्शन, या ऑल्टरनेटिवली अगर प्रोड्यूस ना किया तो एक्स्ट्रा परचेज कॉस्ट इनकर हो जाएगी। ठीक है सर, आप बताएं किसमें हाईएस्ट सेविंग हो रही है, किसको बनाने में हाईएस्ट सेविंग रुपीस की हो रही है? तो सबसे पहले किसको जरूर बनाएं, फिर किसको जरूर बनाएं, और फिर अगर मजबूरन ना बना सकें तो बी को बनाने की बजाय खरीद लें। क्या उसे खरीदना सबसे सस्ता है? सबसे महंगा है। किसको खरीदना सबसे महंगा है? और बनाना सबसे सस्ता है। इंटरचेंजेबली बात हो रही है।
लीज किसको बनाने में सबसे ज्यादा सेविंग है, तो इन अदर वर्ड्स उसको खरीदने में सबसे ज्यादा नुकसान है, तो पहले किसको बनाएं, फिर किसको बनाएं, और फिर किसको बनाएं। लेकिन अगर किसी को ना बना सकें तो फिर उसका फैसला कर लें, जो ना बन सके इनमें पहले उनको बना लें जिनको बनाने में ज्यादा सेविंग। लेकिन बन सके, इस वर्किंग में हमने पर यूनिट सेविंग तो देख ली है, लेकिन शायद हमें ये भी देखना चाहिए कि जो लिमिटिंग फैक्टर है वो कितना कितना इस्तेमाल होना है, क्योंकि हो सकता है कि उसका लिमिटिंग फैक्टर जरूरी नहीं कि हर एक यूनिट पे इक्वल लग रहा हो। समझ आ रही मेरी बात? लेट मी कंसीडर अनदर लाइन। फॉर एग्जांपल लिमिटिंग फैक्टर है लेबर आवर्स, लेबर आवर्स पर यूनिट। एक सपोज एक यूनिट को बनाने में हाफ आवर चाहिए, आप बोर्ड पर देखें, बाकी मैं लिख देता हूँ। बी को बनाने में सपोज वन आवर चाहिए और सी को बनाने में सपोज 1.5 आवर्स। ये मैंने क्या लिखा है लेबर आवर्स पर यूनिट, क्या है 0.11 और 1.5 लेबर टाइम पर यूनिट, लेबर टाइम पर यूनिट। ए को कितना टाइम चाहिए, आधा घंटा, बी को और सी को सपोज 1.5 आवर्स है। अब आइए इन दोनों फिगर्स को दोबारा रिलेट करें, क्या ए को बना के 200 रुपया बचाया जा सकता है? ए को बना के 200 रुपया बचाया जा सकता है, लेकिन ए को बनाने में टाइम कितना लगता है, आधा घंटा। क्या आधा घंटा दे के 200 रुपया बचाया जा सकता है? बी देखें, क्या एक पूरा घंटा दे के 100 रुपये बचेगा, और क्या 1.5 आवर्स देंगे तो फिर एक यूनिट बन के 450 रुपया सेव होगा। क्या कर रहा हूँ, क्या बात हो रही, 200 क्या है? एक यूनिट को बनाने की सेविंग, आधा घंटा क्या, एक यूनिट का टाइम, आधा घंटा अगर एक को दिया तो इंशाल्लाह उसने बन जाना और उसके बनने से 200 रुपया सेव हो जाना। बी को अगर एक घंटा दिया तो फिर उसने बनना, एक घंटे में एक यूनिट बनना और 100 रुपया अकॉर्डिंगली बचेगा। लेकिन अगर सी के 450 रुपीज बचाने हैं तो 1.5 आवर्स लगाने, इन सब क्या बेस सेम नहीं है? 200 रुपया कितने टाइम में, आधे घंटे में, 100 रुपया कितने टाइम में, और 450, तो इसकी बेस सेम करके कर लेते हैं। कैसे, को वर्ड बोला नहीं, वर्ड 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 सेविंग बाय प्रोडक्शन, नॉट अ गुड एफर्ट, प्लीज नो गुड एफर्ट, पर पर लेबर आवर, पर यूनिट को पर लेबर आवर में कन्वर्ट कैसे करूं, कैलकुलेटर पकड़, 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, आंसर बताएं। और 100 100, मैंने इसलिए कहा था कैलकुलेटर पकड़े, मैंने इसलिए कहा था 100 कैलकुलेटर पे 100 आना। ये वर्किंग की कैसे आप लोगों ने, 200 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 100, 400 क्यों आ गए, कंसंट्रेशन फॉर जरा, 200 क्या है, 200 क्या है, 200 सेविंग पर यूनिट, टाइम कितना लगना है, आधा घंटा। अगर इसको एक घंटा दिया तो दो यूनिट बन जाने, और दो यूनिट बनाने का मतलब 400 रुपया बच जाना है, 400 रुपया बच जाना। आधा घंटा देंगे तो एक यूनिट, 200 रुपया सेव करेगा, पूरा एक घंटा दिया तो दो यूनिट बन जाने उस एक घंटे में, और अकॉर्डिंगली फिर 400 रुपया मीन्स दो यूनिट के पैसे बच जाएंगे। सेकंड वर्किंग करवाए 100 100, और ये जरा सोचे 300। 1.5 आवर्स में सी का एक यूनिट बनना है और फिर 1.5 आवर्स लगा के 450 रुपीज बचने हैं। इट मीन्स अगर एक घंटा हमने दिया तो ए का सी का सॉरी यूनिट एक पूरा नहीं होना, वो सिर्फ 300 रुपीज सेविंग कर सकेगा। क्या अब ये फिगर्स कंपेरेबल है, सारी फिगर्स कंपेरेबल है, रीजन रीजन रीजन। अब ये सब पर आर हो गए, सब वन आर। अब बताएं किसको घंटा देना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो गया है, सबसे पहले किसको टाइम दे के कितना बचाएं, एक को एक घंटा दे के कितना बचाएं, रैंकिंग वन। सबसे पहले किसको बनाने में एनर्जीज लगा दें, फिर किसको,
और फिर किसको? अगर ए को बनाने के बाद सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए तो सी को भी और बी को भी बाहर से खरीद लें। अगर ए के बाद कोई पैसा अगर रिसोर्सेज बचे तो फिर सी की तरफ जाएं, और अगर सी पूरा बन जाए तो उसके बाद बी पे आए। लेकिन अगर कुछ बीच में रह जाए तो किस ऑर्डर में परचेज करें? जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है इस ऑर्डर में परचेज करें, इस ऑर्डर में प्रोड्यूस करें, और जब प्रोडक्शन ना हो सके उसे फिर मार्केट में जाके खरीद। बात समझ आई है सर? 500 रुपए पहला 400 समझ आया? ये 400 कैसे हो गए? आधे घंटे में एक यूनिट बनना था और 200 रुपए बच रहे थे, और अगर आप एक घंटा देंगे तो फिर दो यूनिट्स बन जाएंगे और 400 रुपए से हो। ये लिख लें थोड़ी सी वर्किंग अपने हाथ से। नहीं इसी पर मेरा ख्याल कहीं लिखना, या इसी बुक पे अगर कहीं और दिखे लिखना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया? थैंक यू। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट करके जरा बताइए। अगर लिमिटिंग फैक्टर हो और आउटसोर्सिंग ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो क्वेश्चन नंबर वन जरा निकाल रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर, अगर लिमिटिंग फैक्टर हो और आउटसोर्सिंग ऑप्शन ना हो तो रैंकिंग किसकी बेस पे होती है? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। और अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन हो लिमिटिंग फैक्टर के साथ
तो फिर रैंकिंग कैसे हुई है? सेविंग बाय प्रोडक्शन पर लिमिटिंग फैक्टर। इट मींस यहां से ऑनवर्ड्स अब हम क्वेश्चन में ये देखा करेंगे कि आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर तक जाना है, और अगर आउटसोर्सिंग ऑप्शन मौजूद है तो फिर सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर तक जाना है, सेविंग बाय प्रोडक्शन पर लिमिटिंग फैक्टर। थोड़ी सी बात और थ्योरेटिकली पढ़ने पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 58 के एंड पे आ गए। मेक बाय डिसीजंस, कि मेक और बाय क्या होता है, मेक क्या होता है, बनाना, बाय खरीदना, बनाएं या खरीदें, विद स्केर्स रिसोर्स, ये डिसीजन ले रहे हैं। अगर स्केर्स रिसोर्स लिमिटिंग फैक्टर, समटाइम्स द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कैन बी ओवरकम बाय आउटसोर्सिंग सम वर्क टू द एक्सटर्नल सप्लायर हु मेक्स सिमिलर प्रोडक्ट। क्या प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सब कुछ नहीं बना पा रहे, लिमिटेशन है, तो उसको कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है, आउटसोर्स कर दें कुछ काम एक्सटर्नल सप्लायर को, और वो काम जो आप खुद नहीं कर पा रहे उससे करवा लें, उससे खरीदें। इन दिस सिचुएशन फॉलोइंग स्टेप्स, जैसा पहले स्टेप्स आए थे, कोई समरी सी लिखी हुई है, परचेज कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करके डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर कर दें। ये जो भी आपने अपने रजिस्टर पे एक स्टोरी बनाई है, ये शायद एक लाइन में काफी सारे स्टेप्स बता दूंगा, ये बताएं कहां तक सीधी गेम पहुंच जाएगी, ये सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर तक गेम आ जाएगा। परचेज कॉस्ट लिखें, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड कर दें। मेरा ख्याल ये 400, 100 और 300 आ जाएगा। सीधा वहां से क्या करें, नेक्स्ट लाइन, डू रैंकिंग फॉर ईच प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट वैल्यू विल बी रैंक्ड फर्स्ट एंड विल बी कंसिडर्ड टू मेक फर्स्ट, प्रोड्यूस एन ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, एक ऐसा प्लान जिससे हाईएस्ट प्रॉफिट आ जाए। द हाईएस्ट रैंक प्रोडक्ट इज मेड फर्स्ट फॉलोड बाय अदर प्रोडक्ट्स अंटिल लिमिटिंग फैक्टर इज फुली यूटिलाइज्ड एंड द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच